नमस्कार, हूँ छु मानसी। मॉर्निंग 100 में आपनुं स्वागत छे। सोमनाथ में महाशिवरात्रि ने लई श्रद्धालु उमटिया। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर सतत 42 कलाक भक्तों माटे खुलू रहेशे। कोरोना की त्रीजी लहर घटता मोटी संख्या में दर्शनार्थी उमटे तेवी संभावना। जामनगर में शिवरात्रि निमित्ते शिवालयों में भक्तों की भीड़। भीड़भंजन महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव, सिद्धनाथ महादेव सहित मंदिरों में भक्तों उमटी पड़ा। शिवरात्रि निमित्ते रुद्राभिषेक, जलाभिषेक सहित कार्यक्रमों। नवसारी गणदेवी कछोली गामना गंगेश्वर महादेव मंदिर में कंदमूल की प्रथा रखाई जीवंत। शिवजी की पसंदगी गणात कंदमूल पीनी भूली रहा है शिवभक्त। भवनाथ मेला में पाघड़ी वाला बाबा पर आकर्षण बनया केन्द्र। छेल्ला 15-20 वर्ष की विशाल पाघड़ी पहरीने श्रद्धालु ने आकर्षी रहा है। पाघड़ी वजन मात्र 500 ग्राम। जूनागढ़ भवनाथ मेला में देश विदेश की मोटी संख्या में साधु संतोए धूनी धखावी, जेमा एक कांटावाड़ा बाबा आकर्षण केन्द्र बनया। छेल्ला 5 दिवस थी कांटा की पथारी पर बेसीने करी रहा है साधना। भवनाथ मेला में हिमाचल प्रदेश थी आवेला चश्मावाला बाबाए पण आकर्षण जमाव्यू। चश्मा पहरीने बाबा डमरू वगाड़ी शिव साधना में मशगूल जोवा मळ्या। बनासकांठा में भेदी धड़ाका नो अवाज। पाकिस्तान बॉर्डर नजीक बनासकांठा में अनेक गामों में राजस्थान ना बाखासर सुधी अवाज संभळायो। भेदी धड़ाका मैसेज अने ग्रुप में वायरल संभळायेलो अवाज शानो हतो ते विशे कोई पुष्टि नहीं। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा 9 नगरपालिका में 11 स्थले सोलर प्लांट स्थापना कामों ने सैद्धांतिक मंजूरी। रूपया 12.36 करोड़ खर्चे 1.90 मेगावॉट की क्षमता सोलर प्लांट स्थापना माटे मंजूरी। गुजरात स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटीए हाईकोर्ट ने सुपर करेला रिपोर्ट में एएमसी दावा की पोल खुली। अमदावाद शहर ने 80% रस्ताओ बिस्मर हालत में। मोटेभागना रस्ताओ पर खाड़ा, रखड़ता ढोर, कचरा ढग और ड्रेनेज की गंभीर समस्या। कच्छना कंडला में इफको K2 की चिमनी में लागी आग। आग नो बनाव बनता कंडला पोर्ट में मची दौड़धाम। फायर फाइटर घटनास्थले पहुंची आग ने काबू में मेळव्यो। युक्रेन में फसायेला सुरेन्द्रनगर जिला विद्यार्थियों वीडियो द्वारा पोतानी व्यथा व्यक्त करी। वीडियो में बॉर्डर पर इंडियन एम्बेसी द्वारा कोई व्यवस्था न करवामां आवी होवानो आक्षेप। गुजरात सरकारे नवी गाइडलाइन जाहिर करी। लग्न और जाहिर मेळावड़ा पर प्रतिबंध हटावाया। सोशल डिस्टन्स और मास्क नो नियम यथावत। 31 मार्च सुधी नवी गाइडलाइन लागू पड़शे। गुजरात में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना नवा 170 केस। 2 दर्दी ने थया मौत, जयरे 344 दर्दी थया रिकवर। राज्य में हाल 1820 एक्टिव केस। सौथी वधु अमदावाद में कोरोना 61 केस। वडोदरा में 18, सूरत में 11 तो राजकोट और गांधीनगर में 6-6 केस आया सामने। आणंद और बनासकांठा में 3-3 केस नोंधाया। नवसारी में 2 केस, जयरे 18 जिला में एक पण केस न नोंधायो। देश में कोरोना केस में घटाड़ो सतत यथावत। 24 कलाक में 8,013 नवा केस नोंधाया। 119 लोगों कोरोना की मौत। 26,000 थी वधु लोग थया स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 कलाक में 782 केस। 2 दर्दियों कोरोना की मौत। महाराष्ट्र में हाल 11,000 थी वधु एक्टिव केस। केरल में 24 कलाक में कोरोना वायरस ना नवा 2,524 केस। एक ज दिवस में 62 लोगों ना मौत। केरल में एक्टिव केस की संख्या 62,000 ने पार। कर्नाटक में 24 कलाक में 366 केस, जयरे 17 दर्दियों ना मौत। कर्नाटक में एक्टिव केस की संख्या 6,000 ने पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना ना नवा 580 केस। छेल्ला 24 कलाक में 3 दर्दी ना मौत। दिल्ली में हाल 2,086 एक्टिव केस। विश्व में कोरोना वायरस अत्यार सुधी कुल 43,68,00,000 थी वधु केस। दुनियाभर में 59,74,000 थी वधु लोगों गुमाव्यो जीव। 36,80,00,000 थी वधु लोगों थया रिकवर। अमेरिका में अत्यार सुधी कुल 8,06,00,000 थी वधु केस। 9,75,000 थी वधु लोगों ना कोरोना थी मौत तो 5,34,00,000 थी वधु लोगों थया रिकवर। ब्राजील में कोरोना वायरस ना कुल 2,87,00,000 थी वधु केस। अत्यार सुधी में 6,49,000 थी वधु लोगों ना मौत। 2,63,00,000 થી વધુ લોકો થયા રિકવર। ફ્રાન્સમાં કોરોનાના કુલ 2,27,00,000 થી વધુ કેસ। અત્યાર સુધીમાં 1,38,000 થી વધુ લોકોએ ગુમાવ્યો જીવ। 2 કરોડ થી પણ વધુ લોકો રિકવર થયા। બ્રિટનમાં અત્યાર સુધીમાં 1,88,00,000 થી વધુ કેસ તો કુલ 1,61,000 થી વધુ દર્દીઓના મોત। કુલ 1,71,00,000 થી વધુ લોકો રિકવર થયા। रशिया में कोरोना वायरस ना कुल 1,63,00,000 थी वधु केस। कोरोनाए 3
151,000 થી વધુ લોકોનો ભોગ લીધો, 1,35,00,000 થી વધુ લોકો રિકવર થયા. અમૂલ દૂધના ભાવમાં થયો વધારો, પ્રતિ લીટરે 2 રૂપિયાનો ભાવ વધારો. અમૂલ ગોલ્ડ 500 ગ્રામનો ભાવ 30 રૂપિયા, તો અમૂલ તાજાનો ભાવ 24 રૂપિયા પર પહોંચ્યો. અમૂલ શક્તિનો 500 ગ્રામનો નવો ભાવ 27 રૂપિયા, મંગળવારથી નવો ભાવ વધારો અમલી થશે. સુરતમાં પશુપાલકો માટે રાહતનો નિર્ણય, સુમુલ ડેરીએ ખરીદ ભાવમાં કર્યો વધારો, પ્રતિ કિલો ફેટ દીઠ 20 રૂપિયાનો વધારો કર્યો. આ નિર્ણયથી પશુપાલકોને થશે લાભ. પંચમહાલ ગોધરામાં જીબીએસ સિન્ડ્રોમના કેસ, રાજ્યકક્ષાના આરોગ્યમંત્રી પ્રભાવિત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી. નિમિષાબેન સુથારે દર્દીઓની મુલાકાત લીધી. કેસમાં વધારો થશે તો ગોધરા સિવિલમાં સુવિધાની તૈયારી. ગોધરામાં જીબીએસ સિન્ડ્રોમના કેસ બાદ તંત્ર બન્યું સતર્ક. રાજ્યકક્ષાના આરોગ્યમંત્રી નિમિષાબેન સુથારે દર્દીઓની લીધી મુલાકાત. આણંદમાં પૂર્વ અધિકારી નશામાં ભૂલ્યા ભાન, પૂર્વ નાયબ મામલતદાર નશાની હાલતમાં પકડાયા. ખુલ્લેઆમ કારમાં દારૂની મહેફિલ માણતા ઝડપાયા. પાકિસ્તાન મરીનની ફરી એક નાપાક હરકત, આઈએમબીએલ નજીકથી એક બોટ સાથે 6 ભારતીય માછીમારોનું કર્યું અપહરણ. માછીમારોને કરાચી લઈ ગયા હોવાની શક્યતા. અવારનવાર અપહરણની ઘટનાઓથી માછીમારોમાં રોષ. યુક્રેનથી વધુ એક ફ્લાઇટ ભારત પહોંચી, કેન્દ્રીય મંત્રી મુખ્તાર અબ્બાસ નકવીએ કર્યું સ્વાગત. મિશન ગંગા હેઠળ યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને પરત લવાઈ રહ્યા છે. હેલ્થ મિનિસ્ટ્રીની નવી એડવાઇઝરી, ટ્રાવેલ એડવાઇઝરીમાં કર્યો ફેરફાર. યુક્રેનથી આવતા લોકોને કોવિડ નીતિ નિયમોથી અપાઈ છૂટછાટ. પ્લેનમાં બોર્ડિંગ પહેલા આરટીપીસીઆર જરૂરી નહીં. વેક્સિન સર્ટિફિકેટની અનિવાર્યતા પણ દૂર કરાઈ. આરટીપીસીઆર નહીં કરાવ્યો હોય તો ભારતમાં પરત ફર્યા પછી કરાશે ટેસ્ટ. પરત ફરનારને 14 દિવસ સેલ્ફ મોનિટરિંગમાં રહેવું અનિવાર્ય. યુદ્ધ પરિસ્થિતિને જોતા કરાયો નિર્ણય. યુક્રેનમાં ફસાયેલા લોકો માટે કેન્દ્રીય આરોગ્યમંત્રી મનસુખ માંડવિયાનું નિવેદન. નવી એડવાઇઝરીને અનુસરવા અને સુરક્ષિત રહેવા સૂચના. કહ્યું દરરોજ 2,000 લોકોને પરત લાવવાનું સરકારનું આયોજન. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં ભારતનું નિવેદન. યુએનએસસીની બેઠક બાદ યુક્રેનમાં સ્થિતિ ખરાબ. ભારતે ફરી હિંસા રોકવાનું આહવાન કર્યું. કૂટનીતિ ચર્ચાના રસ્તે પરત ફર્યા સિવાય વિકલ્પ નહીં. યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવા પર વિદેશ મંત્રાલયનું નિવેદન. યુક્રેનથી સ્થળાંતર માટે સ્થિતિ આજે પણ જટિલ. છેલ્લા 24 કલાકમાં યુક્રેનથી સ્થળાંતરમાં આવી છે ઝડપ. 8,000થી વધુ ભારતીયોએ છોડ્યું યુક્રેન. 6 ફ્લાઇટથી અંદાજે 1,400 ભારતીયો વતન પરત ફર્યા હોવાનું વિદેશ મંત્રાલયનું નિવેદન. એમઈએની ટીમ માલ્ડોવા પહોંચી ગઈ હોવાની આપી માહિતી. યુક્રેન સંકટ પર પ્રધાનમંત્રી મોદીની હાઈ લેવલ બેઠક. ભારતીયોની વતન વાપસીને લઈ યોજાઈ બેઠક. વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પણ બેઠકમાં રહ્યા હાજર. યુક્રેનની મદદ કરશે ભારત. યુક્રેનને દવાઓ મોકલશે, યુદ્ધ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં મોકલશે મદદ. યુક્રેન વચ્ચે રશિયાના સમર્થનમાં આવ્યું ચીન. રશિયા વિરુદ્ધ પ્રતિબંધનો કર્યો વિરોધ. ચીન રશિયા સાથે વેપાર યથાવત રાખશે. અમેરિકાની રાજધાની વોશિંગ્ટન ડીસીમાં યુક્રેનિયન લોકોએ વિરોધ કર્યો. વ્હાઇટ હાઉસ બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. યુક્રેનના સમર્થનમાં બેનર સાથે વિરોધ કર્યો. યુક્રેનમાં ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓની હાલત કફોડી. કેટલાક ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ રૂમાનિયા બોર્ડર તરફ ફસાયા. બરફ પડવાથી વિદ્યાર્થીઓને ભારે હાલાકી. સરકાર પાસે માંગી મદદ. યુક્રેનના ખેરસોનમાં યુક્રેનની સેનાએ રશિયન સેના દળ પર હવાઈ હુમલો કર્યો. રશિયન સેના પર યુક્રેનના ડ્રોને કહેર મચાવ્યો. યુક્રેન સેનાએ વીડિયો પણ જાહેર કર્યો. રશિયન સેનાના મોટા પ્રમાણમાં હથિયારો તબાહ કરાયાનો દાવો કરાયો. યુક્રેને રશિયાના 27 વિમાનો અને 26 હેલિકોપ્ટર તબાહ કર્યાનો દાવો. જ્યારે રશિયાએ યુક્રેનના 8 વિમાનો અને 7 હેલિકોપ્ટર ધ્વસ્ત કર્યાનો દાવો કર્યો. યુક્રેને રશિયાના 146 ટેન્ક તબાહ કર્યા. રશિયન આર્મીને લઈ યુક્રેનનો મોટો દાવો. રશિયાના 4,300 સૈનિકોને મોતના ઘાટે ઉતાર્યાનો યુક્રેને દાવો કર્યો. આ મામલે રશિયા તરફથી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી આવી. યુક્રેનમાં રશિયાના હુમલાઓના કારણે તબાહી. આકાશમાં સતત સંભળાય છે ફાઇટર પ્લેનની ગર્જના. હવાઈ હુમલાઓને કારણે યુક્રેનના રસ્તાઓ પર સ્થિતિ બની રહી છે અતિ ગંભીર. યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે રશિયા યુક્રેન પર મોટો આરોપ લગાવ્યો. યુક્રેન યુદ્ધમાં પ્રતિબંધિત રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગ કરી રહ્યું હોવાનો આરોપ. રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગ યુક્રેન કરી શકે છે વધુ ગંભીર. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ રશિયા વિરુદ્ધ સેના બનાવવા વિશ્વને કરી અપીલ. વિશ્વભરમાં વોલેન્ટિયરને આપ્યું આમંત્રણ. પુતિન વિરુદ્ધ એકજૂટ થવા કરી અપીલ.
यूक्रेन एस्पेस पर रशिया कब्जो, रशिया की सेनाए एस्पेस पर कंट्रोल कर दावो करो। तो यूक्रेन रशिया 5,300 सैनिकों मारिया दावो करो। रशिया 29 हेलिकॉप्टर 191 टैंक तोड़ी पाड़िया दावो। यूक्रेन पर ब्रिटन मोटो दावो, ब्रिटने यूक्रेन ने हथियार सहित तमाम मदद आपवानो कर्यो दावो। तो सिंगापुर पण रशिया सामे लेशे एक्शन, रशिया पर प्रतिबंध लगावशे सिंगापुर। स्काय न्यूज़ ना हवाले थी खबर, यूक्रेन पर यूएन मोटो दावो, 4,22,000 लोकोए यूक्रेन छोड़ियो होवानो दावो। युद्धनी स्थिति में यूक्रेन छोड़ीने जई रह्या छे लोको। यूक्रेन में फसायेला भारतीय विद्यार्थियों माटे पोलेंड नो महत्वनो निर्णय, विद्यार्थियों ने वगर वीजा अपाशे एंट्री। यूक्रेन थी मोटी संख्या में विद्यार्थियों पोलेंड सरहद पहुंचा। यूक्रेन में फसायेला विद्यार्थियों की हालत कफोड़ी, केटलाक गुजराती विद्यार्थियों रोमानिया बॉर्डर तरफ फसाया, बरफ पड़वाथी विद्यार्थियों ने भारे हालाकी, सरकार पास मांगी मदद। यूक्रेन में परत फरेली संघ प्रदेश दमण की एमबीबीएस विद्यार्थिनी मानसी शर्मा, घरे परत फरता परिवार में हरख की लागणी, भारत सरकार नो मान्यो आभार, ऑपरेशन गंगा की करी प्रशंसा। यूक्रेन जेपोरेजिया में नवसारी युवान सहित 30 वधु गुजरातीओ फसाया, छेल्ला 3 दिवस बंकर में रहवा मजबूर। युवानों सुधी कोई मदद न पहुंचता परिवारजनों चिंतित, -5 डिग्री तापमान में विद्यार्थियों की हालत कफोड़ी। यूक्रेन में फसायेली दमणनी विद्यार्थिनी मानसी शर्मा, घरे परत फरता सरकार नो मान्यो आभार, युद्धभूमि माथी मानसी शर्मा घरे परत फरता परिवारजनों में छवायो आनंद, ऑपरेशन गंगा की करी प्रशंसा। पोरबंदर 10 विद्यार्थियों यूक्रेन और पोलेंड में फसाया, विद्यार्थियों परत लावा माटे सरकार पास सहाय की करी मांग, विद्यार्थियों ने परत लावा वालीओ सरकार ने मांग करी। यूक्रेन में फसायेला भारतीयों की मदद आयु बीएपीएस, यूक्रेन में फसायेला भारतीयों की करशे मदद, प्रधानमंत्री मोदी फोन करी मदद माटे कह्यु, यूरोप में रहता सेवकों साथे मळीने रहेवा अने खावा पीवानी करशे व्यवस्था। यूक्रेन थी परत फरेला विद्यार्थियों न्यूज 18 गुजराती नो मान्यो आभार, विद्यार्थियों जणाव्यु के तमना वालीओ न्यूज 18 नो कर्यो हतो संपर्क, त्यारबाद सरकार की मदद थी तेओ वतन परत फर्या। यूक्रेन में फसायेला वधु 27 गुजराती विद्यार्थियों गांधीनगर पहुंचा, 4th फ्लाइट में 194 विद्यार्थियों ने लवाया हता परत, सीएम भूपेन्द्र पटेले परत फरेला विद्यार्थियों ने आवकार्या। कांग्रेस द्वारा मुकायेला आक्षेप मामले पूर्व सीएम रूपाणीए कायदाकीय प्रक्रिया हाथ धरी, वकील मार्फते तेओए कांग्रेस ने नोटिस फटकारी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 मार्चे सूरतना सहकार सम्मेलन में हाजरी आपशे, सुमूल डेरी द्वारा करायू सम्मेलन आयोजन। बनासकांठा में पानी की मांग ने लई पालनपुर में 5 किलोमीटर सुधी मौन रेली, 6 कोंगी धारासभ्य सहित आम आदमी पार्टी प्रदेश उपप्रमुख रेली में जोड़ाया। अमदावाद में एसीबी नो सपाटो, 2 अलग अलग ट्रेप करी लांचिया कर्मचारियों ने पकड़ा, एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन ना 2 कोंस्टेबल 2.75 लाख की लांच लेता पकड़ाया, अर्जी नामे वेपारी ने करवामां आवता हता हैरान। राजकोट थी हनी ट्रेप की वधु एक घटना, लींबड़ी खमलाव में रहता 37 वर्षीय भरतभाई बनया शिकार, राजकोट की 2 महिला सहित 6 सभ्यों हनी ट्रेप में फसावी 91,000 रूपया पड़ाया। अमदावाद में कर्णावती यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित डिजाइन वीक ना अंतिम दिवसे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी रहा हाजर, डिफेन्स और एरोस्पेस थीम पर डिजाइन वीक नु करायु हतु आयोजन। सूरत महानगरपालिका द्वारा अडाजण और लिंबायत विस्तार की 2 शालाओं ने तोड़ी पड़ाई, ओकेलेन मशीन की गणतरी की सेकेंड में इमारत जमीनदोज थी। राजपीपड़ा पालिका प्रमुख कुलदीप सिंह गोहिल अध्यक्ष स्थाने सामान्य सभा मिली, वर्ष 2022-23 अंदाजपत्र विविध कामों की मंजूरी माटे सामान्य सभा मिली, पालिका प्रमुखे कहूं विकास ने ध्यान में राखी बजेट मंजूर करायू। फार्मसी में बोगस एडमिशन अटकावा फार्मसी काउंसिल नो महत्वनो निर्णय, तमाम डिप्लोमा फार्मसी पास थनार विद्यार्थियों ने सेंट्रलाइज परीक्षा पास करवी पड़े, 3 विषय में 50% मार्क्स साथ पास करते तो ज थशे रजिस्ट्रेशन। जूनागढ़ में शिवरात्रि मेला में मोटी संख्या में साधु संतो तेमज भाविक भक्तों उमटिया, शिवरात्रि दिवसे मृगी कुंड में लोग करे शाही स्नान, गिरनार पर्वत पर तपस्या करता हजारों साधु संतो करे स्नान। अमदावाद पिरणा डंप साइट विस्तार में रोगचाड़ो फाटी निकलो, एएमसी विपक्ष नेता शहजाद खान पठाणे प्रोसेस साइट की मुलाकात लीधी, सॉलिड वेस्ट विभाग ने नबड़ी कामगिरी करो आक्षेप। अमदावाद इंटरनेशनल स्कूल सार्वजनिक रोड ने पार्किंग तरीके वापरती होवानी फरियाद, आजूबाजू रहता रहीशोए शाला प्रिंसिपल ने आवेदन पत्र आप्यु, कायदा अने व्यवस्था नु पालन करवा माटे आप्यु सूचना।
सुरेन्द्रनगर वढ़वाण में लींबड़ी रोड पर पानी भरायू। तंत्र की बेदरकारी कारण भूगर्भ गटर पानी रस्ता पर फरी वळ्या। छेल्ला 15 दिवस पानी की समस्या थी लोग परेशान। सुरेन्द्रनगर वोर्ड नंबर 9 शक्तिनगर ढोरा विस्तार में प्राथमिक सुविधाओं न मिलती होवानी फरियाद। स्थानिकोए पालिका कचेरी उग्र रजूआत करी। चौमासा पहला समस्यानुं निराकरण लावा मांग। छोटाउदेपुर में भगवानपुरा गाम में केनाल में गाबड़ू। नर्मदा की माइनोर केनाल में गाबड़ू। पानी बगाड़। केनाल में गाबड़ा पड़वा खेडूतों में भारे रोष। पानी बगाड़ रोकवा रिपेरिंग की मांग। सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 तरीके शुरू कराये प्रोजेक्ट टल्ले चढ़ियों। 7 जिला में शुरू कराये प्रोजेक्ट आग वधी न शक्यो। 108 और 181 जेवी हेल्पलाइन ने एकज नंबर में रूट करवानो हतो प्रोजेक्ट। तो आ साथे हाल समाचार में रोकाईशु एक नानकड़ा ब्रेक माटे। ब्रेक बाद आपनो स्वागत छे। मॉर्निंग 100 में आगळ वात करिए तो उत्तर प्रदेश ना बलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों ने अपील। लोगों ने फरीथी भाजप सरकार बनावा करी अपील। विपक्ष पर प्रहार करता बोलिया प्रधानमंत्री, परिवारवाद नी वातों करती पार्टियों ने लोगों ने नकारी दीधी। प्रधानमंत्री मोदी कहू गरीबों ने पाका घर आप सक्षम है भाजप सरकार। गरीबों ने घर आप पीएम आवास योजना की शुरूआत करावाई। उत्तर प्रदेश में 34 लाख गरीबों ने घर अपाया। उत्तर प्रदेश चूंटी ने लई अमित शाह मोटो दावो। कहू 5 तबक्का चूंटी में भाजप ने बहुमती सीटों मिली गई। हवे छठा और 7मा तबक्का में 300 पार वाली सरकार मतदान करने दावो कर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अखिलेश यादव पर प्रहार कर। कहू समाजवादी पार्टी शासन में अपहरण डकैती में नंबर वन हतो उत्तर प्रदेश। महिलाओं साथ अत्याचार में नंबर वन हतो उत्तर प्रदेश। योगीजी शासन में क्राइम रेट में 70% घटाड़ो। अमित शाह विपक्ष पर धर्म आधार तहेवारों में वीजड़ी आप आरोप लगवा। कहू एक समय उत्तर प्रदेश में ताजिया और रमजान में 24 कलाक वीजड़ी मती थी। जन्माष्टमी और दिवाड़ी पर 24 कलाक वीजड़ी नती मती। उत्तर प्रदेश जौनपुर में जेपी नड्डा विपक्ष पर प्रहार। कहू अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता ने गैरमार्गे दौड़ा। कोरोना की रसी ने लई अखिलेश यादव पहला मजाक बनाई पछी पोते रसी लीधी। कांग्रेस और सपा पर प्रहार करता बोलिया नड्डा। राम जन्मभूमि मामलो कांग्रेस से लटकावी दीधो हतो। राम मंदिर निर्माण में लागेला राम भक्तों पर सपाए गोलीबार करावयो। पण भाजप जे कहे छे ते करे छे। सीएम योगी ने तमना कपड़ा पर डिम्पल यादवे आपेला निवेदन पर पलटवार कर्यु। कहू सनातन धर्म नु अपमान कर्यु। हा हूँ भगवाधारी छू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु प्रवासे। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन नी बायोग्राफी ना विमोचन कार्यक्रम में हाजरी आपी। कार्यक्रम में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर प्रहार कर्या। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भाजप पर प्रहार। लोगों साथे दगो करवानो भाजप पर आरोप लगवा। अखिलेश यादवे कहू समाजवादी पार्टी पक्ष में छे लहर अने सरकार पण समाजवादी पार्टी नी बनशे। महिसागर ना लुणावाड़ा में रोमियो गिरी करता एक शख्स ने पोलिस नी शी टीमें झड़पी पाड़ी। स्कूल नी बहार विद्यार्थिनीओनी करी रह्यो हतो छेड़ती। एक विद्यार्थिनी नी बातमी ना आधारे शी टीम गोठवी ट्रैप। सुरेन्द्रनगर चोटीला में फायरिंग में एक नु मौत। थान रोड पर फायरिंग की घटना। कार में आवेला 4 થી 5 लोगोए घातक हथियारों साथे कर्यो हुमलो। जूनी अदावत में हुमलो कर्यानी आशंका। दाहोद शहर में थोड़ा दिवसे लाखों रूपया की चोरी। पंकज सोसायटी में बंद मकाने तस्करों बनाव्यू निशान। पाछळना दरवाजा थी घर में घुसी सोना चांदी दागीना रोकड़ रकम सहित लाखों रूपया की लूट चलावी तस्करों फरार। पुलिस चोरी नो गुनो नोंधी हाथ धरी वधु तपास। सूरत में ग्रीष्मा हत्या केस नो आरोपी फेनिल ने कोर्ट में रजू करायो। बचाव पक्ष ना वकीले आरोपी अनसाइड माइंड नो होवानी अर्जी करी। जो कि आ अर्जी कोर्टे नकारी दी। आगामी 3 તારીખે कोर्ट वधु सुनावणी करशे। सुरेन्द्रनगरना लींबड़ीना कटारिया गाम नजीक आधेड़ पर करायो जीवलेण हुमलो। कार में आवेला 3 થી 4 शख्सोए ढोर मार मार्यानो आक्षेप। इजाग्रस्त आधेड़ ने सारवार माटे लींबड़ी खसेड़ाया। दाहोदना देवगढ़ बारिया में मनरेगा नो टेक्निकल आसिस्टंट 4,500 नी लांच लेता रंगे हाथ झड़पायो। देवगढ़ बारिया तालुका पंचायत में एसीबीए गोठवी हती ट्रेप। बनासकांठा धानेरा वासण चेक पोस्ट पास थी धातु दागीना साथ एक युवक झड़पायो। पुलिस 17,46,774 मुद्देमाल साथ युवक ने झड़पी पाड़ो। सूरत में चेन स्नेचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। रुस्तपुरा विस्तार में वहली सवारे बन्यो हतो बनाव। शेरी में पसार थती महिला गळा में चेन की लूट।
जूनागढ़ भवनाथ मेला में खेलायो खूनी खेल, अजाण्या नागा बाबाए एक युवक की माथा में कुहाड़ी मारी करी हत्या, युवक हाल सारवार हेठ। दिल्ली कांग्रेस में वधु बंगाण, नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हाजरी में कांग्रेस नेता कुलदीप भंडारी और तेमनी पत्नी मधु भंडारी आम आदमी पार्टी में जोड़ाया। उत्तराखंड की एक बॉर्डर पोस्ट पर इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस ना जवानों वॉलीबॉल रमता देखाया, जवानों चीन सरहद नजीक 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ने 15,000 फूट की ऊंचाई रमिया वॉलीबॉल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चूंटी पांचमा तबक्का मतदान पूर्ण, अयोध्या सहित 12 जिला में सरेराश 54% थी वधु मतदान। मुंबई कांजूर मार्ग में एनजी रॉयल पार्क में भीषण आग लगी, बिल्डिंग में आग लगता अफरातफरी माहौल, आग पर काबू मेळवा माटे फायर विभाग ने 10 गाड़ियों पहुंची, आग लागवानुं कारण अकबंध। युक्रेन डोनेस्क शहर में विद्रोहियों फायरिंग में केटली इमारतों तबाह थी, पुतिने जे शहर ने स्वतंत्रता की मान्यता आपी ते रशिया समर्थन वाला विद्रोहियों गढ़ मनाई रह्यो छे। युक्रेन खेरसोन में रशियन सेना हुमला जवाब ड्रोन थी अपायो, जेनो वीडियो युक्रेन की सेनाए जाहिर कर्यो, जे गाड़ियों पर हुमलो करायो तेमां अढळक हथियारों ने विस्फोटो हता। युक्रेन की सेनाए कर्यो दावो, तेणे रशिया एक हेलिकॉप्टर ने आकाश में ज तोड़ी पाड्यु, ते समय हेलिकॉप्टर हवाई हुमलो करवा जई रह्यु हतु। युक्रेन विदेश मंत्री ट्वीट करी आपी जानकारी, रशियाए दुनिया ना सौथी मोटा विमान AN-225 मरिया विमान पर बॉम्ब मारो करी नष्ट कर्यु। युक्रेन हेनेचेस्क में रस्ता पर उतरेला रशियन सैनिकों सामे घर्षण पर उतरी महिला, जेनो वीडियो तेजी थी थयो वायरल, पोताना जीवनी परवाह कर्या वगर महिला रशियन सैनिकों सामे पोतानो रोष ठालव्यो। तो आ साथे मॉर्निंग 100 में अत्यारे बस आटलू ज, वधु समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती।